नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन बनाने के बारे में। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि मैम, क्या प्रेगनेंसी के 7वें 8वें और 9वें महीने में रिलेशन बनाना चाहिए, क्या पूरी प्रेगनेंसी में बनाना चाहिए, क्या रिलेशन बनाने से बच्चे को चोट लग जाती है, क्या ये सेफ़ है, क्या ये सेफ़ नहीं है, और कब हमें रिलेशन रखना चाहिए, कब नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा क्या सच में रिलेशन बनाने से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, तो सारी बातें जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, देखो, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन बनाना बिल्कुल सेफ होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन मान लीजिए कि आपके साथ प्रेगनेंसी के दौरान कुछ चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि रिलेशन बनाने के बाद आपको ब्लीडिंग हो जाती है। जैसे ही आप अपने हस्बैंड से संबंध स्थापित करते हैं, उसके बाद आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो ये ठीक नहीं है। या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो ये सही नहीं है, ठीक है, ऐसे में आपको नहीं रखना चाहिए, बाकी डॉक्टर से बात करना चाहिए। इसके अलावा देखिए, बहुत सारी महिलाओं को प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम होती है, किसी के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि उनको बीपी की प्रॉब्लम रहती है, या फिर और भी कोई शारीरिक परेशानी हो सकती है, और कई बार डॉक्टर बेड रेस्ट के लिए बोल देते हैं, बिल्कुल आराम करो और कुछ काम नहीं करना और ना ही रिलेशन रखना है। तो ऐसे में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों को खतरा हो सकता है, ठीक है, आपको भी खतरा हो सकता है। तो डॉक्टर ने बिल्कुल बेड रेस्ट के लिए बोल रखा है, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई दिक्कत है, तो आपको रिलेशन नहीं करना। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से रिलेशन बना सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आता है कि प्रेगनेंसी के 7वें 8वें और 9वें महीने में हमें रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। तो देखो जी, इस समय भी डॉक्टर के हिसाब से बिल्कुल सेफ होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप बड़े बूढ़ों की माने तो उनके हिसाब से, क्योंकि बच्चा इस समय तक हेड डाउन पोजिशन में आ जाता है, सर नीचे कर लेता है, तो ऐसे में खतरा हो सकता है बच्चे को चोट लगने का, तो बड़े बूढ़ों के हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए इस समय। लेकिन अगर आप डॉक्टर की माने तो उनके हिसाब से कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, करें कि ना करें, तो मैं आपको ये सलाह दूंगी, प्रेगनेंसी हेल्दी है तो कीजिए, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है पूरी प्रेगनेंसी में। एक तो आपको पोजिशन का ध्यान रखना है कि ऐसा पोजिशन ना हो जिससे कि आपके पेट पर दबाव पड़े, चोट पड़े, या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो, दर्द हो, ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो पोजिशन होना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि आपको ये देखना है कि रिलेशन बनाने का आपका मन है, आपको इच्छा है या फिर नहीं है। अगर आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, आपका मन परेशान हो रहा है, आपको बिल्कुल अच्छा लग ही नहीं रहा है कि हाँ मैं कर रही हूँ, तो ऐसे में नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो, ये ऐसी चीज़ होती है जिसमें कि आपको खुशी मिलनी चाहिए, जब खुशी नहीं मिल रही है तो बेकार है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अच्छा लगना चाहिए, उसके बाद ही करें। नहीं लग रहा है, कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, पेन होता है, या फिर कुछ और भी दिक्कत हो रही है, तो ऐसे में मत कीजिए। बाकी तो इस बात का ध्यान रखिए कि जल्दबाजी में नहीं करना है, ठीक है, ये दोनों को समझना होगा, आपको भी, आपके हस्बैंड को भी, कि जल्दबाजी में नहीं करना है, बहुत ही आराम आराम से ध्यान रखते हुए करना है, ताकि आपको और आपके बच्चे को परेशानी ना हो, ठीक है, जल्दबाजी का काम नहीं है, बहुत ही आराम आराम से होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, ये भी ध्यान रखिए कि आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, ठीक है, 7वां 8वां 9वां महीना है या उससे पहले भी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, समझ रहे हो, बहुत सारे लोगों की आदत होती है, तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लिमिट में कीजिए कभी कभी, ठीक है, ज़्यादा करेंगे तो फिर परेशानी होगी ही, तो इसलिए थोड़ा बहुत कभी कभी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बात आती है कि क्या इससे नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप प्रेगनेंसी में रिलेशन बनाते हैं तो उससे संकुचन हो जाता है, यानी कि आपको कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो सकता है, और आप बिल्कुल लास्ट के सप्ताह में, यानी कि लगभग 39वें 40वें सप्ताह में करते हैं, तो ऐसे में माना जाता है कि शायद आपको संकुचन स्टार्ट हो जाए, आपको लेबर पेन आ जाए। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो जल्दी भी संकुचन आ सकता है, इससे समय से पहले डिलीवरी हो सकती है, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि बच्चे नॉर्मली 36 वीक के बाद होने चाहिए, यानी कि 37वें सप्ताह से होने चाहिए, तो नॉर्मल है, उससे पहले हो जाते हैं तो बच्चे को प्रीमैच्योर माना जाता है, समय से पहले डिलीवरी मानी जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आपको समय से पहले ही डिलीवरी हो जाए, तो ये सही नहीं है, बच्चे के लिए सही नहीं है, आपके लिए भी सही नहीं है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी करने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छा लगना चाहिए, कम्फर्टेबल आप होनी चाहिए उसके बाद ही। और हाँ देखिए, अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहा है, प्रेशर पीरियड नहीं आ रहा है, और आप चाह रही हैं कि मैं रिलेशन बना के संकुचन स्टार्ट कर लूँ और मुझे लेबर पेन आ जाए, तो इसके लिए आप इन बातों का ध्यान रखिएगा कि एक तो आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है तो ही करें, आराम आराम से होना चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखते हुए जल्दबाजी में नहीं करना, नहीं तो बच्चे को चोट लग सकती है। इसके अलावा अगर आप
पहले से करते आ रहे हैं तो सही है, नहीं आप पहले से करते नहीं आ रहे हैं एकदम से आप कोशिश करेंगे तो रियली में आपको दिक्कत होगी और कुछ भी दिक्कत हो सकती है, कुछ और भी परेशानी हो सकती है। इसलिए पहले से करते आ रहे हैं तो आपको हैबिट में है तो आप आराम से कर सकते हैं। आप सोचेंगे एकदम से मैं कर लूँ लेबर पेन आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा हो जाता है लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लेबर पेन आ ही जाए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए प्रेगनेंसी में रिलेशन बनाना बिल्कुल सेफ है, लेकिन स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि गर्भपात होने का खतरा रहता है, और लास्ट की प्रेगनेंसी में बच्चा बड़ा हो जाता है, पेट बड़ा हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाता है और शारीरिक परेशानी बहुत ज़्यादा आपको होती है, तो उन सब चीज़ को देखते हुए ही आप कीजिए, ठीक है। बाकी आप चाहे तो अपने डॉक्टर से भी इस बारे में बात कर सकती हैं, वैसे तो अगर कोई दिक्कत है तो डॉक्टर आपको खुद ही मना कर देते हैं, मना नहीं कर रहे हैं तो मतलब ये है कि शायद आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो पूछ सकती हैं। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।